Thank you. अस्सलाम वालेकुम मैं आपके साथ हूँ खालिद सैफुद्दीन हम आ, कोशिश कर रहे थे कि कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आपको ट्रेड में आ रही हैं वो आए तो हम आपको उसका जवाब दें बार बार मैं ये सवाल करता रहा हूँ और कोशिश करता हूँ जो डेली कॉल आपको भेजता हूँ उसके अंदर मैं आपको आ, बता सकूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है तो मेरा ख़्याल है कि जो आपको कॉल्स मिल रही हैं उसमें भी मैं कुछ समझाने की ज़्यादातर कोशिश करता हूँ अभी मैं मुझे एक मैसेज मिला उमर का जिसमें उन्होंने कुछ सवाल किए एक डॉलर चेक के हवाले से और उन्होंने कहा कि डॉलर चेक करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है क्या मार्केट देखें पूरा दिन तो हम बैठ नहीं सकते इस तरह की बात की ठीक है दूसरी बात उन्होंने कही कि जब हम मार्केट को देखते हैं ट्रेड हो जाती है तो मार्केट बिल्कुल जिस तरह कॉल में बताया जाता है वैसे ही जाती है प्रॉफिट भी टारगेट भी अचीव करती है सारा कुछ होता है मगर हम टारगेट अचीव नहीं कर पाते हम लॉस में खड़े होते हैं ये एक सवाल बहुत अहम और परेशान कुन है और हो सकता है अगर मैं ट्रेडिंग करूं तो ये मसला मेरे साथ भी हो कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है हर ट्रेडर इस मराहल से गुजरता है दूसरी बात उन्होंने कही सस्टेनेबिलिटी की जो बहुत अहम बात है जिस पर मैं पहले भी एक वीडियो कर चुका हूं और हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं सब मैं पहले बात करते हैं डॉलर चेक पे देखिए जनाब डॉलर चेक में आपको बैठ के चार्ट को नहीं देखना आपको डॉलर की एक कॉल के ऊपर लेवल्स लिखे होते हैं और उसमें एक लाइन लिखी होती है जिसमें डॉलर का लब्ब लबाब होता है कंक्लूड किया जाता है कि डॉलर कहाँ से मज़ीद मंदी करेगा और कहाँ तक मंदी है या कहाँ से तेज़ी शुरू करेगा या कहाँ तक तेज़ी है इस तरह की कुछ चीज़ें उसमें लिखी होती हैं अगर तो आपने डॉलर चार्ट बनाया हुआ है उसमें वो जो लाइनें जो ट्रिगर बताया गया है जैसे अभी रिसेंट कॉल ले लें तो उसमें कहा गया है कि 11,705 के नीचे मंदी है इसमें ठीक है ना अब फर्ज कर लीजिए 11,705 ये है और डॉलर इस वक्त यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है जी तो एक बात तो समझ में आती है कि डॉलर में तेजी इसके ऊपर शुरू होगी ठीक है जी ये तो तयशुदा बात हो गई मगर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है जो कि डॉलर अगर मूव भी करे तो रहता मंदी के रुझान में है मगर बहरहाल ये मूव इम्पैक्ट तो करती है तो आप इसको किस तरह देखेंगे बड़ा सिंपल तरीका है जिस तरह आप अपने चार्ट पे देखते हैं अगर आप देखते हो वन आवर कैंडल वन आवर कैंडल डॉलर पे इस तरह की स्ट्रॉन्ग बन रही है इस तरह की स्ट्रांग बन रही है तो हम कह सकते हैं कि डॉलर स्ट्रेंथ ले रहा है ठीक है तो अब हमें उम्मीद होगी कि 11,705 जो है शायद ये तोड़ देगा तो अब मैं यहाँ पर शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ नहीं करूँगा अगर मेरे जहन में ये ख्याल था कि 11,705 के बाद डॉलर नीचे आएगा अगर ऐसी कैंडलें बन रही हैं यहाँ पर तो मैं यहाँ पर पहुँच के शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ के लिए तैयारी करूँगा अगर इस एरिए में एग्जॉस्शन नहीं हुई तो मैं शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ के बारे में डॉलर में नहीं सोचूंगा डॉलर में कह रहा हूं वैसे आप डॉलर में तो ट्रेड नहीं कर रहे मतलब कहने का यह है कि अगर यहां पे एग्जॉर्शन डॉलर में आई तो इसका मतलब यह है कि आपका यूरो और गोल्ड इस जगह पे अब जहां पर खड़ा हुआ है वहां से ऊपर जा सकता है अगर डॉलर यहां से नीचे गिरना शुरू हो गया तो जनाब आपका गोल्ड और यूरो बढ़ना शुरू हो जाएगा पाउंड भी निस्बतन मगर क्रूड पे कोई असर ऐसा नहीं पड़ता उसको काबिल ज़िक्र असर नहीं होता अब अगर यहाँ पर डॉलर है और यहाँ से ऐसी मूव बनानी शुरू करें क्योंकि उनके सवाल में एक बात यह भी थी कि हम ट्रेड कर रहे होते हैं डॉलर कुछ और कर जाता है तो जनाब अली सब में पहली बात यह है कि जब हम यूरो में ट्रेड करते हैं और हम एस एन पी फाइव हंड्रेड में ट्रेड करते हैं या हम आ, गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो हमें इस पर नजर रखनी होगी लाजमी रखनी होगी हम इसको छोड़ नहीं सकते अगर यहां पर डॉलर इसके बीच में एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि डॉलर यह भी तोड़ देगा तो मैं तो यूरो में लॉन्ग करूंगा और अगर वो स्ट्रांग कैंडल में ऊपर जा रहा है तो मैं रुक जाऊंगा मैं यूरो में एंट्री नहीं लूंगा यहां पर जब एग्जॉस्टन होगी तब एंट्री बनाऊंगा प्रोवाइडेड कि यूरो का अपना ट्रिगर भी काम करे दोनों चीजें होनी चाहिए तो तब मैं एंट्री लूंगा वरना में एंट्री नहीं लूंगा ठीक है और फिर यहां पे एग्जॉस्टन हो गई और एग्जॉस्टन जब यहां से होकर नीचे जा रही होगी तब मैं यूरो में एंट्री ले लूंगा लॉन्ग में तो बहरहाल इन शॉर्ट यह कि डॉलर को देखना होगा ऐसे काम नहीं चलेगा और डॉलर को देखना कोई बड़ा काम नहीं है खतई तौर पे बड़ा काम नहीं है अब चलते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ जिसमें आपने कहा कि कॉल तो बिल्कुल सही बताती हुई नज़र आती है मगर जनाब हमारी ट्रेड नुकसान में होती है ऐसा क्यों होता है बड़ा अच्छा सवाल है ये कि ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि नंबर एक जब हम अपने ये हमारा टारगेट है देखिए ये हमारा ट्रिगर है ये फोर्टी फाइव फिफ्टी कर लें कि यहाँ से हमें लॉन्ग जाना है और ये हमारा टारगेट है ठीक है अब क्या होगा कि अगर मुझे टारगेट पे एग्जिट लेनी है तो मैं टारगेट से नीचे यहां पे अपनी लिमिट प्लेस करूंगा मैं एग्जैक्टली फोर्टी सिक्स फिफ्टी पे नहीं प्लेस करूंगा इसके नीचे प्लेस करूंगा अगर मैंने फोर्टी सिक्स फिफ्टी पे कर दी तो मेरा टारगेट हिट नहीं होगा वो इसको टच करके आएगा आप रह जाओगे ठीक है ना तो मैं इसके नीचे प्लेस करूंगा नंबर एक बात कई दफा ऐसा होता है कि जब टारगेट की तरफ जा रहा होता है तो कैंडल बड़ी स्ट्रांग बन रही है इतनी स्ट्रांग कैंडलें बन रही हैं ऐसी सूरत में मेरा मशवरा यह है कि टारगेट मत लगाए आप इसको इसको तोड़ने दें जैसे यह तोड़े आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा दें विच इज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस असल स्टॉप लॉस तो इसका यहां पे था वो यहां से उठ के यहां आया यहां से उठ के यहां चला गया ये उसका पहली मूव थी स्टॉप लॉस की ठीक है और ये उसकी दूसरी मूव थी अब और ऊपर जाता है तो जाता रहे ठीक है ना तो इस सूरत में आप टारगेट को मिस नहीं करोगे ठीक है ना ये तो एक आइडियल कंडीशन हुई कि बड़ा स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है अब अगर स्ट्रांगली ऊपर नहीं जा रहा एक इवन कंडीशन है जैसी आमतौर पे होती है कि ऊपर गया फिर नीचे आया ऊपर गया फिर नीचे आया इस तरह ऊपर जा रहा है तो उस सूरत में हम इसको नीचे अपनी टारगेट लगा देंगे लाजमी तौर पे अगर स्ट्रांग मूव नहीं बन रही तो हम ये वाले ऑप्शन को यूज नहीं करेंगे हम सीधा सीधा यहां पर टारगेट प्लेस कर देंगे ठीक है जी तो ये तो हो गया टेक प्रॉफिट का इशू अब आ जाए स्टॉप लॉस में जब हम चले थे तो हमको यह कहा गया था कि यह ट्रिगर है इसके ऊपर हमने लॉन्ग करना है इसके ऊपर अगर लॉन्ग करना है तो स्टॉप लॉस आमतौर पे दिया हुआ होता है हो सकता है कि यहां पे दिया हुआ हो स्टॉप लॉस ऐसी कर रहा हूं मैं कि 45 पे दिया हुआ हो ठीक है तो 45 के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया जब ये सस्टेन हुआ एंटर हो गए हम एंटर होके हम यहां तक पहुंच गए हाफ वे हमने तय कर लिया तब हम स्टॉप लॉस को यहां ले आए फॉरी तौर पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब आराम से बैठ जाएं अब अगर ये वापस भी जाएगा तो हमारा लॉस कितना होगा एंट्री यहां है स्टॉप लॉस यहां है पच्चीस तीस सेंट का लॉस होगा इससे ज्यादा नहीं होगा ठीक है जी अच्छा ये तो हो गया स्टॉप लॉस का इशू अब आ जाए शॉर्ट की जानेब शॉर्ट में भी ऐसे ही होगा कि हम इसको देखेंगे कि ये यहां पर नीचे हुआ ये टारगेट है हमारा तो हम यहां पर लगाएंगे अगर प्रेशर बहुत आ रहा है तो हम उसको जाने देंगे और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां लगाएंगे ठीक है ये शॉर्ट में हो गया अगर हम शॉर्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं ठीक है ना ये तो हमारा लॉन्ग डायरेक्शन था ये हमारा शॉर्ट डायरेक्शन है अब यहां पर एक सवाल बड़ा अहम हुआ था सस्टेनेबिलिटी का सस्टेनेबिलिटी पे हम बात करेंगे जैसे फर्श कर लीजिए कि थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि ये हमारा लेवल था जिस पे हमें सस्टेनेबिलिटी देखनी थी और फिर लॉन्ग जाना था जिसको हम आम तौर पे ट्रिगर भी कहते हैं ठीक है जी अब क्या हुआ कि यहाँ प्राइस वैल्यू यहाँ पे थी वो यहाँ से यहाँ आई फिर यहाँ आई इस शक्ल में ऐसे यहाँ पर आई और उसके बाद यहाँ पे आके थोड़ा इसने टाइम लेना शुरू कर दिया ये नॉर्मल बात है जब ये रेजिस्टेंस मैंने कही है जब इसको मैंने ट्रिगर कहा है तो यहाँ पर प्राइस वैल्यू प्रॉब्लम करेगी ज़रूर करेगी अगर वो कर रही है तो और अच्छी बात है अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्राइक्स हो रही हैं जो बार बार यहाँ पर आ रहा है तो उसमें ना शार्प हाई बन रहे होंगे थोड़े छोटे छोटे यहां पर हाई बनाया फिर नीचे चला गया फिर यूं बनाया फिर नीचे चला गया फिर यूं बनाया फिर नीचे फिर यूं इस तरह करके वो यहां पर मूव कर रहा होगा ठीक है जी तो हम क्या करते हैं एक यहां पर लाइन लगा लेते हैं ये जो शार्प हाइस बने थे उनके हाइस पर एक लाइन लगा लेते और अब हम 45, 50 के बजाय इस लाइन के ऊपर लॉन्ग जाते हैं ये सिक्योर तरीका सस्टेनेबिलिटी को समझने का दूसरा दूसरा अमल जो हम करते हैं वो क्या करते हैं हम क्या करते हैं जब इसके पास कैंडल पहुंचती है तो हम देखते हैं कि के एक कैंडल इसके ऊपर बंद हो गई वन आवर की क्योंकि आप हमेशा वन आवर चार्ट पर हैं वन आवर की कैंडल इसके ऊपर बंद हो गई अब हम क्या करते हैं लाइन तो हमारे चार्ट पे लगी हुई है अब हम फौरी तौर पे 15 मिनट का चार्ट खोलते हैं और हम देखते हैं कि 15 मिनट में पोजीशन क्या है अगर वन आवर कैंडल इस तरह बंद हुई है तो 15 मिनट पे जब हम जाएंगे तो एक ऐसे बंद हुई होगी एक थोड़ी नीचे बंद हुई होगी एक थोड़ी ऊपर बंद होगी एक तीसरी ऊपर आखिरी जो है लाजमी ऊपर अगर ये ऊपर बंद हुई है तो आखिरी वाली तो लाजमी ऊपर बंद होगी तो हम ये देखते हैं कि जब जब ये नीचे गया इसको यहाँ से पुश मिल रहा है तो अब देखना यह है कि इस लाइन के पास इसको प्राइस वैल्यू को पुश मिल रहा है या वहां से इसको स्ट्रेस इस मिल रहा है अगर डाउन मिल रहा है तो हम वेट करेंगे सस्टेनेबिलिटी का कि जब तक और हम हम आधा घंटा और रुक जाएंगे कि हम देखेंगे और अगर आप रुक जाएंगे तो आप देखेंगे कि 90 परसेंट ये होगा कि प्राइस नीचे चली जाएगी और अगर यहां से पुश नजर आ गया हमें मिनट के चार्ट में अगर हमें तीन कैंडलें ऊपर बनती हुई नजर आती हैं या दो तीन फेयर हम प्लस ये ये हमने एक ये लाइन लगा ली थी जो इनके छोटे छोटे हाई बन रहे थे मिनट कैंडल के उस पर हमने एक लाइन लगा ली और तोड़ना है पंद्रह मिनट से पांच मिनट में चले जाओ पांच मिनट में जाके उसको ये बेसिकली आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए पंद्रह मिनट और पांच मिनट का चार्ट अलाव है डिसीशन वन आवर पे बनता है देखना वन आवर चार्ट को है। जो हम आम हालात में जिस चार्ट को देखते हैं वो वन आवर चार्ट होना चाहिए तो जनाब जब हमने ये चीज समझ ली उसके बाद हम हमने ट्रेड में एंट्री ले ली और फिर ये स्टॉप लॉस लगा दिया फिर जब ये हाफ वे चला गया तो स्टॉप लॉस यहां ले आए जब ये यहां आया तो हमने टारगेट सेट कर लिया अगर यहाँ पर पावर के साथ जा रहा है तो ऊपर जाने दिया और इस स्टॉप लॉस को यहाँ ले आए ये तरीकेकार होगा स्ट्रेटजी होगी ट्रेड करने की ये टोटल सवाल थे आज के अगर आप लोगों के और भी कोई सवाल हैं तो मैं उनके जवाब देने के लिए तैयार हूँ मुझसे ज़रूर कीजिए बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़